हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने चैनल BKSR ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, BPSC ने नियुक्ति शिक्षक की BPSC से नियुक्ति शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए सरकार ने बनाई गाइडलाइन। जान लीजिए शर्तें, इस लीजिए शर्तें। इधर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा कि BEd अभ्यर्थी की रीट याचिका होगी सुनवाई। BEd अभ्यर्थी की जो इन्होंने याचिका दिया था उनकी सुनवाई होगी। तो चलिए इस सेशन पे बने रहेंगे अंत तक। चलिए क्या क्या है सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग इस सेशन में बने रहें। बिहार लोकसभा आयोग BPSC की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा परिणाम जारी होने और उत्तीर्ण अभ्यर्थी काउंसलिंग के बाद अब नियुक्ति को लेकर तैयारी चल रही। इसी बीच बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरित करने हेतु दो नंबर को बड़े आयोजन की तैयारी की है। वही इसी बीच एक जानकारी दिल्ली से है, जहां बिहार के BEd अभ्यर्थी को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने शिक्षक भर्ती रिजल्ट पर रोक लगाने की रीट याचिका को सुनवाई करने स्वीकार कर लिया। आगामी 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। सरकार के नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं था कि उन लोगों को प्रारंभिक मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने बीच में के नियम में बदलाव कर दिया, जिसको लेकर शिक्षक संघ और अन्य सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और पूरी जानकारी देखिए वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो बिहार सरकार ने पटना के गांधी मैदान में होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए निर्देश जारी किया है कि उसके अनुसार कार्यक्रम द्वारा मोबाइल अथवा किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से फोटो लेने या वीडियो बनाने की मनाही है। हालांकि सरकार ने सभी शिक्षकों को यह आश्वासन जरूर दिया है कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम की फोटो और वीडियो जिला को अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार बिहार में हुई शिक्षक वाली परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग करते बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ और अन सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दाखिल कर दी है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने शीर्ष अदालत से अपील की है कि वह शिक्षक वाली में BEd अभियुक्ता धारियों को मौका अवश्य मिलना चाहिए। रीट याचिका पेंडिंग होने के बावजूद BPSC ने BEd अभ्यर्थी के साथ धोखा किया है। BEd और DLED का एक साथ रिजल्ट प्रकाशित किया जाना चाहिए था। तो जानकारी के अनुसार इस याचिका पर बीते 20 अक्टूबर को ही चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ छुट्टियों के कारण 30 अक्टूबर सुनवाई की गई और अगले सुनवाई 3 नवंबर को होगी। तो चलिए, उम्मीद करें सेशन पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।